बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग सिटी। एटेन में मैं हूँ आपकी मेज़बान सीमल हाशमी। इस दुआ के साथ कि आपका आज का दिन अच्छे तरीके से गुजरे। और नाजन, आपको मैं बताते चलूँ कि अगर आप अपने बच्चों को 6 बार हिफाजती टीका जात लगवाएंगे तो 9 बीमारियों से निजात आराम से मिल सकती है। वो बीमारियाँ कौन कौन सी हैं? टीबी, पोलियो, काली खांसी, हेपेटाइटिस बी, तशनज, गर्दन तोड़ बुखार, खुन्नाक, नमूनिया और खसरा। इनसे बचाव की अगर आप हिफाजती टीका लगवाएंगे पैदाइश से 2 साल तक के हर बच्चे को, तो इन बीमारियों से जो है वो बचाव हो सकता है। और ये नोटिफिकेशन जो है वो महकमा प्राइमरी और सेकेंडरी हेल्थ केयर की जानिब से डेली सिटी 42 के आखिरी सफ़े पर जो है वो पब्लिश किया गया है। अवेयरनेस भी है और इसके साथ साथ मेरे ख्याल से इन्फॉर्मेशन भी है उन लोगों के लिए जो नहीं जानते कि कौन कौन से हिफाजती टीके बच्चों को लगवाना ज़रूरी है। तो ज़रूर लगवाएँ। और मेरे ख्याल से वैक्सीनेशन जो है वो एक ऐसा तोड़ है जो बीमारी से बचाव के लिए बहुत ज़्यादा मुफीद होता है। अपने बच्चों की हेल्थ केयर का ख्याल रखें और हेल्थ के हवाले से जितने भी इकदाम हैं वो ज़रूर उठाएं। अब चलते हैं मौसम की जानिब। और मौसम आजकल फुल गर्मा गर्म चल रहा है जी। दर्जा हरारत जो है वो 46 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच चुका है इस पूरे सीज़न का। आज यह दर्जा हरारत कैसा रहेगा? सुबह 6 बजे के करीब दर्जा हरारत 33 डिग्री सेंटीग्रेड, 9 बजे 37 और 12 बजे एक्सपेक्ट किया जा रहा है 42 डिग्री सेंटीग्रेड। तीन बजे के करीब एक्सपेक्ट किया जा रहा है 46 डिग्री सेंटीग्रेड, 6 बजे 42 और 9 बजे 36 डिग्री सेंटीग्रेड। मौसम की सूरत हाल के बाद अब टॉप स्टोरीज की तरफ चलेंगे और देखेंगे डेली सिटी 42 की आज की हमारी लीड स्टोरी कौन कौन सी है। आज की लीड स्टोरी है जी, गरीब के बच्चे भी HSN कॉलेज में अब पढ़ सकेंगे। हुकूमत पंजाब 50 करोड़ के वज़ाइफ देंगे। LTC इलेक्ट्रॉनिक कार्ड का इजरा करेगा और सहूलत यह है कि बस में ही ये कार्ड रिचार्ज होगा। गर्मी से लेस्को के कई ग्रिड स्टेशन ठंडे, NTDC की कारकर्दगी का पोल खुल गया। और कयामत खेज गर्मी, शहरी बिलबिला उठे, कई कमसिन तुलबा बेहोश हो गए। ये थी हमारी टॉप स्टोरीज, इनको हम डिस्कस करेंगे। स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद है सिटी 42 के सीनियर रिपोर्टर्स दुरन नायाब और रजवान नकवी। अस्सलाम वालेकुम आप लोगों को और खुश आमदीद कहेंगे। और अब चलते हैं डिस्कशन की जानिब डेली सिटी 42 की आज की हमारी लीड स्टोरी। HSN कॉलेज में अब गरीब के बच्चे भी पढ़ सकेंगे। हुकूमत पंजाब जो है वो 50 करोड़ के वज़ाइफ जारी करेगी। रिजवान आपसे शुरू करेंगे। दाखिले के लिए कॉलेज का इम्तिहान जो होता है, एंट्री टेस्ट जो है वो क्लियर करना लाजमी होगा, लेकिन फीसिस के मद में, अलाउंसेस के मद में जितने भी पैसे हैं वो पंजाब हुकूमत स्पॉन्सर करेगी। सिंगल बिल्कुल, जिस तरह ये हमारी लीड स्टोरी है कि 50 करोड़ रुपये इंडोमेंट फंड से रखे गए हैं जो कि ऐसे तुलबा जो कि HSN के क्राइटेरिया पे पूरे उतरेंगे उनका प्रॉपर टेस्ट लिया जाएगा, उसके बाद उनको HSN में दाखला दिया जाएगा। हाँ, उनका किसी भी मतवस्त घराने से ताल्लुक़ होगा। आप इसको देखें कि 50 करोड़ रुपये जो है ये एक बड़ी मामूली रकम है अगर उस तनाजुर में देखा जाए कि एजुकेशन सेक्टर में जितने फंड आने चाहिए। सबसे पहली बात तो ये है कि निज़ाम तालीम जो हमारा है उसमें एक बच्चा LGS में या बीकन हाउस में पढ़ता है या HSN में पढ़ता है, और दूसरा बच्चा जो है वो हमारी सरकार के बैनर तले चलने वाले स्कूलों में पढ़ता है। तो उन दोनों जो ये जो निज़ाम तालीम हैं पैरेलल जो चल रहे हैं, दोनों में पढ़ने वाला बच्चा जो है दोनों के मेंटल कैलिबर में बड़ा डिफरेंस होगा, और दोनों बिल्कुल भी जो है वो आगे बढ़ के जो है वो मुकाबला नहीं कर सकते। बल्कि जो इन बड़े घरानों से ताल्लुक़ रखने वाले बच्चे हैं, बड़े गिने चुने बच्चे होंगे जो इस क्राइटेरिया को मीट कर सकेंगे, जो कि आगे निकल के HSN तक जा सकेंगे। तो शायद हुकूमत को इस पे फोकस करना चाहिए कि जो हमारे सरकारी इदारे हैं उनका मयार तलीम उस लेवल पे लेके जाना चाहिए ताकि उनसे पढ़ के निकलने वाले बच्चे जो हैं वो सिर्फ यही ना कहें कि हमने जो है वो मैट्रिक कर लिया है, ग्रेजुएशन कर लिया या मास्टर्स कर लिया। जो सरकारी इदारे हैं उनसे पढ़ने वाले बच्चे जो हैं वो भी फ़ख्र के साथ जो है उनके पास इतना नॉलेज हो कि वो इन बच्चों के साथ मुकाबला कर सकें जो कि HSN से पढ़ के निकलते हैं या बड़े जो इदारे हैं प्राइवेट। तो इस पे हुकूमत को काम करना चाहिए कि जो सरकारी इदारे हैं उनका मयार तालीम जो है उसको बुलंद किया जाए ताकि जो
बच्चा वहाँ से पढ़ के निकल रहा है उसको भी एक, लेकिन मेरे ख्याल से इट्स मोर लाइक कि आप सरकारी स्कूलों की नाहली खुद तस्लीम कर रहे हैं दोनों ने। आप जैसे हमारा पंजाब एजुकेशन फाउंडेशन है जो प्राइवेट स्कूलों में बच्चों को स्पॉन्सर करता है किताबें यूनिफॉर्म और फीस की कीमत में, अब HSN में भी हुकूमत अगर स्पॉन्सरशिप शुरू कर देगी तो फिर सरकारी स्कूलों को ताले लगा देना, फिर तो आप अपनी नाहली खुद तस्लीम कर रहे हैं कि आपको मेयार तालीम इतना बुलंद नहीं कि आपको प्राइवेट स्कूलों का सहारा लेना पड़ रहा है। सिमल, मैं आपके जो पॉइंट ऑफ व्यू उस पर आने से पहले एक बात बड़ा वाजिया तौर पर कहूँगा कि ये जो महकमा तालीम पंजाब ने एहसान किया है गरीबों पर, इस पॉलिसी में एक बहुत बड़ा लूप होल है। जब भी कोई क्राइटेरिया बनाया जाता है, जब भी आप किसी को रियायत देने जा रहे होते हैं तो क्राइटेरिया डिफाइन किया जाता है। अब यहाँ पे वाज़ह तौर पे लिखा है कि नशिस्तों का तयन बाद में किया जाएगा, कि जैसे मतलब कि एक बहुत बड़ा एहसान है हमने कर दिया है, अब आप जाने आपका काम जाने, ये नशिस्तों का तयन कभी भी नहीं हो सकेगा। क्योंकि जो वज़ीर आला पंजाब हमेशा हर तकरीर में कहते हैं अशराफिया, अशराफिया कभी भी नहीं चाहेगी कि हमारे साथ हमारे ही मुलाजिम का बच्चा आके बैठ के पढ़ ले, और किसी भी सूरत में वो उसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये एक बड़ा कॉमन कल्चर है। आप अगर इन अशराफियों के घरों में जाके देखें तो ये जो बदसलूकी करते हैं अपने से लो स्टैंडर्ड के लोगों के साथ जिनका लिविंग जो इतना ज़्यादा स्टैंडर्ड हाई नहीं होता, तो कैसे वो बच्चे बर्दाश्त करेंगे? तो ये तयन नहीं होगा। डिस्क्रिमिनेशन लाइन तो वहीं पर मौजूद है। आप बात करें अशराफिया की, अगर वज़ीर आला पंजाब खुद अशराफिया नहीं है तो कौन है अशराफिया? वज़ीर आला खुद बताएं कि उनकी फैमिली के कितने बच्चे हैं जो कि सरकारी स्कूलों में पढ़ रहे हैं। वज़ीर आला साहब और बाकी मिनिस्टर कर ले, आप बाकी मिनिस्टर कर ले, आप किसी भी पार्लियामेंटेरियन की बात कर ले, आप किसी भी असेंबली के मेंबर की बात कर ले, किसके बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं? क्या ये गुर्बत की लकीर से नीचे जी रहे हैं? तो ये किसको अशराफिया कहते हैं? बाकी रिजवान की ये बात तो बिल्कुल जायज है कि ये किसको अशराफिया कहते हैं। और मैं आपको बड़ा वाजिया आज ये बयान दे रहा हूँ कि ये एक साल में भी तयन होता नजर नहीं आ रहा। आपके ये 50 करोड़ के जो फंड है, जो आपने माली साल 2015-16 ख़त्म होने से कुछ ही रोज़ पहले एहसान करके आपने जारी कर दी हैं, तो ये इंशाल्लाह ये तो लैप्स हो ही जाएंगे और उसके बाद ये भी नहीं पता लग सकेगा कि एक क्लास में कितने बच्चों को पढ़ाया जाएगा। और मुश्किल से ज़कात की सूरत में एक क्लास में 2 सीटों से ज़्यादा सीटें नहीं गिनी। बड़ा सीधी सी बात है कि क्राइटेरिया तो डिफाइन करें यार, पैसे तो आते रहेंगे, पैसों का क्या है? पैसे तो आपके घर की बात है, आप कहीं ना कहीं खर्च करना चाहें तो ये तो कोई इतना बड़ा प्रॉब्लम वाली बात नहीं। आपने फिर वहीं फंसा दिया है, इस पॉलिसी को फिर आपने वहीं पे बॉटल। और दूसरा पॉइंट, अगर ये मंसूबा मुकम्मल हो जाता है तो क्या आप अपनी नाहली तस्लीम कर रहे हैं? आप सरकारी स्कूलों का फेलियर तस्लीम कर रहे हैं? देखें जी, आपने खूबसूरत गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर आपने उसको साइडलाइन कर दिया, ठीक है जी। आप अगर बात करें दीगर कॉलेजेस की, तो हम FC कॉलेज है, बाकी लोग हैं, हम उनकी तरफ नहीं जाते। लेकिन फिर बात यह है कि आपने HSN को एक ऐसे लेवल पर पहुंचा दिया है कि फिर आप बिल्कुल फेल हैं। आप फिर इस तरह करें कि सारे प्राइवेट स्कूल कॉलेजेस को आहिस्ता आहिस्ता उठा के आप पैसे देते रहे, अभी शुरू कर वो दिया ना उन्होंने, अब तो स्कूलों को NGO के हवाले कर रहे हैं। अब आहिस्ता आहिस्ता कॉलेजेस की बारी भी आ जाएगी और हर कॉलेज को जो है वो आप एनोनिमस बॉडी बनाने पर तुले हुए हैं। जैसे यूनिवर्सिटीज का होता है कि आप उनकी हाफ प्राइवेटाइजेशन बेशक कर दें, अपने से आप बरीउ जिम्मा हो रहे हैं। देखिए जी, वज़ीर आला को खुश करने के लिए ब्यूरोक्रेट से मैं तो रिक्वेस्ट करूंगा कि उनको सब्ज बाग ना दिखाया करें, और जो क्राइटेरिया पहले बनाने वाला होता है वो पहले बनाया करें, उसके बाद फंड्स जारी किया करें। कि मुझे समझ नहीं आ रही कि ये कैसे इन्होंने कर दिया है कि HSN कॉलेज में सीटों का तयन बाद में किया जाएगा, हम 50 करोड़ रुपये जारी करते हैं। यार ये इतना बड़ा मजाक है गरीबों के साथ कि जो कभी भी आपको पूरा होता नज़र नहीं आएगा। आपके बच्चे जितने मर्जी 99% नंबर भी ले लें, जब तक क्राइटेरिया ही नहीं बनेगा वो 50 करोड़ रुपये को क्या करेंगे? मुझे बताएंगे, उनको पता ही नहीं होगा कि मेरी नशिस्त ही नहीं है, मैं पता नहीं बैठूंगा कि नहीं बैठूंगा, कोई आपका कोटा डिफाइन ही नहीं किया हुआ। तो पहले कोटा बनता है, फिर उसके बाद उसकी बाइफरकेशन होती है, वेरिफिकेशन होती है। रिजवान, आप कुछ कहना चाहोगे इस पर? बिल्कुल, जिस तरह आप बात कर रही हैं सीमल, कि ये गवर्नमेंट ने दरअसल अपनी नाकामी तस्लीम कर ली है। पहले भी आप देखें तो लोग जो अफोर्ड कर सकते हैं वो प्राइवेट स्कूल्स में ही पढ़ाते हैं, वो सरकारी स्कूलों का रुख नहीं करते। सरकारी स्कूलों पे एतमाद बहाल करने के लिए, वालिदैन का एतमाद बहाल करने के लिए हुकूमत को कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी इकदाम करने पड़ेंगे। जो वज़ीर तालीम है या फिर जो एडीयू एजुकेशन है, या बात करने से कि आप अपना मयार तालीम बुलंद ले जाएंगे, वो चीज़ जो है वो सॉर्ट आउट नहीं होगी, आपको उसमें अमली तौर पर इकदाम करना पड़ेंगे, वो नहीं होगा। और ये आपकी इसके असरात जो है ना नस्लों तक जाते हैं। मैंने पहले भी बात किया कि कुछ चीजें होती है जिसका फायदा बताया जा सकता है, कुछ चीजें अगर आपकी नस्लें ही यहाँ पे बर्बाद हो रही है सरकारी स्कूलों के लो स्टैंडर्ड में पढ़ के, तो मुझे बताएं कि करेंगे वो दाढ़ी नहीं कराएंगे तो क्या और क्या करेंगे? वो यहाँ पे मजदूरी नहीं करेंगे तो क्या करेंगे? रिक्शे चलाएंगे, MA पास बन के भी वो वहाँ पे मजदूरियाँ करेंगे। आपकी ये नस्लें खमियाजा भुगतेंगी आपकी गलत पॉलिसियों का, और इसकी रेमेडी नहीं होगी। इस पर हुकूमत को जो है वो जरूर सोचना होगा। नाज़रीन, एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, यहाँ पर ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे।
वेलकम बैक नाजन, गुफ्तगू का सिलसिला हम आगे बढ़ाएंगे। अगली खबर को डिस्कस करेंगे जी, एलटीसी इलेक्ट्रॉनिक कार्ड का इजरा किया जाएगा और उसमें सहूलत शहरियों को ये रहेगी कि उसका रिचार्ज जो है वो आप बस के अंदर ही कर सकेंगे। जदीद दौर की तरफ जा रहे हैं हम, और कल मेरे ही प्रोग्राम में ख्वाजा अहमद हसन भी तशरीफ लाए थे और उन्होंने कहा कि शहर में अब ट्रांसपोर्ट की जो बसें चल रही हैं वो एयर कंडीशन है और शहरी जो है उससे इस्तफादा कर रहे हैं, तो इस पर आप बिल्कुल, मैं बात इससे पहले के शाहजी करें क्योंकि शाहजी की बीट भी है, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि क्या बसें चल रही हैं और किस हद तक चल रही हैं, ये भी एक सवाल है। अब मेट्रो बस के बनने के बाद और फिर ऑरेंज ट्रेन के बनने के बाद तो वैसे ही आपको जो है लोकल ट्रांसपोर्ट जो है वो नापैद हो जाएगी, और कुछ बसें चल रही हैं और बहुत सारे रूट्स हम ये देखते रहते हैं कि बहुत सारे रूट्स बंद कर दिए गए हैं, बहुत सारी बसों को ऑफ रोड कर दिया गया है, चीज़ें इस तरह से बहुत तेज़ी से तब्दील हो रही हैं। फिर मैं वही बात करूँगा कि हमें चीज़ों को मुस्तकिल मिजाजी की तरफ लेके जाने की ज़रूरत है, कि ना कि हम चार दिन बाद ही तजर्बा करके बैठ जाएं और बैठने के बाद जो है इसको ख़त्म कर दें। लोगों को अच्छी सहूलियत की तरफ लेके ज़रूर जाते हैं, लेकिन फिर उनको बराबर जो है उसको मुतवातिर आपको फरहमी की ज़रूरत होती है। ये हमें इस लाहौर में बहुत सारे, अगर मैं इशूज़ की मिसालें देना शुरू कर दूँ तो हमें कभी नज़र नहीं आया। LTC ने बहुत अच्छा कदम उठाया होगा, लेकिन ये तजर्बा अब मुस्तकिल बुनियाद पर, मैं इस चीज़ पर फिर दोबारा ज़ोर दे रहा हूँ क्योंकि मुझे पता है कि ये नहीं रहना, क्योंकि जब ऑरेंज ट्रेन आ जानी है तो सबका फोकस ऑरेंज ट्रेन की तरफ हो जाना है, फिर उसके जो फीडर रूट्स हैं वो फीडर रूट्स प्राइवेट कंपनी जो डाइवो है उसको दिए जा चुके हैं, और बहुत सारे सैकड़ों की तादाद में बसें वो लाहौर में ला रही हैं, तो फिर कहाँ LTC रह जाएगी, कहाँ LTC की ये मैनेजमेंट रह जाएगी, और LTC के बाद तो वैसे ही बहुत थोड़ा सा रूट रह गया है। बल्कि ये भी र्यूमर्स हैं कि LTC को बहुत जल्द जो है वो मेट्रो अथॉरिटी में मर्ज कर दिया जाएगा, लिंक कर दिया जाएगा। LTC का अपना वजूद जो है वो खुद खतरे में पड़ा हुआ है। तो बिल्कुल जो दुरेन आप बात कर रहे हैं कि पॉलिसीज का तसलसल नहीं है, लेकिन मैं इस पे एक पॉइंट जरूर रेज करना चाहूंगी कि ये क्या ये अच्छी बात नहीं है कि इंटरनेशनली भी तो इस तरह की चीजें होती हैं कि आपकी एक अंडर अथॉरिटी जो है वो जब एक चीज आएगी तो लोग उससे यूज्ड टू होंगे, तो लोगों को आ जाएगी ये चीज। हमने देखा कि जब मोबाइल इतना आम नहीं था तो लोग कतराते थे, उसके बाद एक अनपढ़ आदमी जो है एक्सेप्टेबिलिटी जब आ जाती है तो आप एक्सेप्ट करना शुरू कर देते हैं। बड़ी अच्छी बात है, जिद्दत की तरफ जाना चाहिए, तब्दीली को अपनाना चाहिए, और ये सबसे बड़ी हकीकत है कि तरक्की की तरफ सफर जो है ये चलते रहना चाहिए। लेकिन पहली बात और बुनियादी बात यही है कि जब शहर के तमाम रूट्स पे आबादी के तनासुब से बसें ही मौजूद नहीं है, ट्रांसपोर्ट ही मौजूद नहीं है। बल्कि लाहौर के सरहदी इलाकों की तरफ आप चले जाएं, यहाँ पे तो हैं 3-4 जो बड़े रूट्स हैं उन पे तो बसें चल रही हैं या वैगन्स मिल जाती हैं, लेकिन आप सरहदी इलाकों में चले जाएं वहाँ पे कई ऐसे घर हैं जिन्होंने अपनी बच्चियों को ग्रेजुअली जो है वो उसको बढ़ाया जाता है, या आपकी अगर आपके पास बड़ी बसें नहीं चल सकती हैं उन रूट्स पर तो आप छोटी वैगन चला सकते हो। जब बनी थी तो इनके पास ये इन्हें हदफ दिया गया था कि ये शहर की मुख्तलिफ शहर के रूट्स पे 2000 बसें चलाएंगे, ठीक है। उसके बाद LTC को बने हुए आज इतना अरसा गुजर चुका है और LTC अभी तक जो है वो 400 के करीब भी बसें नहीं चला सकी शहर में, तकरीबन 400 ही ऑफ रोड कर चुकी होंगी, और 16 ऐसे रूट्स हैं जो कि LTC के बनने के बाद जो है वो अन ऑपरेशनल हो गए, उन पे बसें हैं ही नहीं, चल ही नहीं रही, बंद पड़े हुए हैं। वहाँ पे लोग जो है वो बेचारे इलीगल ट्रांसपोर्ट चिंची रिक्शों पे या टू स्ट्रोक रिक्शों पे सफर करने में इसी तरफ आने वाला था कि अगर आप बात करें इस लाहौर केनाल पे तो आपको धर्मपुरा के बाद कौन सी ट्रांसपोर्ट नजर आती है, सारी इलीगल ट्रांसपोर्ट नजर आती है। वागा की तरफ आप चले जाएं, सरहदी इलाके हैं, वहाँ पे ऐसे दर्जनों देहात हैं। बसें चल तो रही हैं वहाँ पर जो इनकी LTC की, लेकिन बहुत कम तादाद। देखिए जी, वो बात नहीं है कि आपका फेलियर टाइम टू टाइम जो है वो आपका फेलियर यहीं से साबित हो जाता है, आपकी कंपनी का फेलियर यहीं से साबित हो जाता है कि आप अपना हदफ पूरा नहीं कर सके, और एक नाकाम कंपनी जो है वो किस तरह से आपको जिद्दत की तरफ लेके जाएगी। मुझे तो ये एक जदीद रेवोल्यूशन का पॉइंट समझ नहीं आता कि जो कंपनी अपना हदफ पूरा नहीं कर सकी वो आपको जिद्दत की तरफ के जा रही है, तो ये पॉसिबल नहीं होगा। अगर आप जिद्दत की बात, अच्छा मतलब उस तरह से अगर देखा जाए तो आपका पॉइंट वैलिड है कि अभी भी लाहौर में बहुत सी ऐसी जगह हैं जहां पर जो इन रूट्स को टच नहीं करती है। घंटे में नाम ले सकते हो, पूरा घंटा लग जाएगा हमें बताते हैं। लेकिन अगर कंपैरिजन किया जाए पाकिस्तान के दूसरे शहरों के निस्बत, तो मुझे LTC किसी तरह से कम नहीं लगती है। हम शाहराओं पर चलती हुई आपको एयर कंडीशन बसें मिलती हैं, आप कराची शहर में जाकर देखें ट्रांसपोर्ट का हाल क्या है। वो बसें जो हम आज से 20-22 साल पहले फारिग कर चुके, वो जो ट्रक आर्ट की बसें चला करती थी कराची में, आज भी कराची में आज भी वो यूज की जा रही है, तो उस हवाले से तो हमने एक स्टेप आगे लिया है। इसका क्रेडिट शायद LTC को नहीं जाता, LTC से पहले भी यहाँ पे जो है बसें चल रही थी, बल्कि LTC जब आई तो पहले यहाँ पे कुछ 550-600 बसें चल रही थी, LTC के क्याम के बाद उनकी तादाद बतदरीज कम होना शुरू हुई। अच्छा, इसकी रीजन क्या है? इसकी रीजन ये थी कि जो लोकल ट्रांसपोर्टर था उसके
ये तहफ़ुज़ात थे कि एलटीसी तुर्किश या फिर जो चाइनीज ट्रांसपोर्टर हैं उन्हें तो प्रायोरिटी दे रही है, उन्हें तो सब्सिडाइज जो है सब्सिडी दी जा रही है, जबकि लोकल ट्रांसपोर्टर को जो है नजरअंदाज कर दिया गया। उस पर उन्होंने अपनी बसें खड़ी कर दी और बतदरीज जो है वो तादाद कम होना शुरू हो गई। और अभी जो है ऐसे कई रूट्स हैं, जिस तरह मैं बात कर रहा था सरहदी इलाकों की, वाघा की तरफ चले जाएं, वहाँ पे दर्जनों देहात हैं जिनमें मैट्रिक के बाद लोगों ने अपनी बच्चियों को बच्चों को घरों में बिठा दिया, क्योंकि उनके पास इतने पैसे नहीं हैं कि वो ट्रांसपोर्ट अफोर्ड कर सकें, ट्रांसपोर्ट अफोर्ड कर सकें। बिल्कुल सही कहा आपने, तो ये मसाइल जो हैं वो तो मौजूद हैं। अगर आप जद्दत की बात करते हैं, इनोवेशन की बात करते हैं और तरक्की डेवलपमेंट की बात करते हैं, तो फिर एक्सपेंशन जो है वो मंसूबों की बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाती है। वो सिर्फ अखबारी बयान की हद तक नहीं, अमली तौर पर आपको कुछ करना ज़रूरी है। अगली खबर भी डिस्कस कर लेते हैं। गर्मी से लेस्को के कई ग्रिड स्टेशन जो हैं वो बंद पड़े, कल जो है वो मुख्तलिफ इलाकों में बिजली नहीं आई और दर्जा हरारत 44 से 45 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। अब अभी सिर्फ मई का महीना है, अब आगे जून आएगा, जुलाई आएगा और अगस्त में जब हब्स हो जाएगा तो फिर क्या हाल होगा लोगों का? फिर तो लोड शेडिंग को बचाने के लिए ये वोल्टेज कम कर देते हैं अपनी, लोड मैनेजमेंट के लिए आवाम बेचारी जो है वो पिस रही होती है। फिर वही बात है कि आवाम का अपना कसूर है कि यही वो लोग हैं जो कि पिछले दौरे हुकूमत में एहतजाज करते थे इलेक्ट्रिसिटी फुकदान पे, और इनकी जानिब से नई नई पॉलिसीज आती थी कि जी 11 बजे तक जो है वो एसी चलाने पे पाबंदी है बिल्कुल। और वज़ीर-ए-आला पंजाब जो है वो खुद जाके एहतजाज करते थे और एहतजाजी रैलियों में शिरकत तक की है वज़ीर-ए-आला पंजाब ने, जबकि अब उस तरह से ना तो एहतजाज होते नजर आते हैं, क्योंकि ये बड़े अच्छे मैनेजर्स हैं, ये मैनेज कर लेते हैं बड़े अच्छे तरीके से। लोड शेडिंग के घंटे कम कर दिए लेकिन उसी के साथ वोल्टेज कम करके आवाम को उल्लू बना। इसमें एक और खुशखबरी भी दूं कि अब हालात जब वो जाके तंबू लगाते थे वज़ीर-ए-आला साहब, तो वो वाले हालात अब नहीं है, अब उससे और बदतर हालात आने वाले हैं, क्योंकि आपके इस 28 किलोमीटर का जो ऑरेंज लाइन का ट्रैक है उसकी तमाम इलेक्ट्रिसिटी के जो तंसीबात हैं वो बिखरी पड़ी हैं, और उनके बिखरे पड़ने से क्या होना है कि उनको आप समअप नहीं कर सकेंगे, आपकी बिजली उस तमाम रूट पर जाएगी, उस बिजली जाने से क्या होगा, वहाँ पर ट्यूबवेल बंद हो जाएंगे, ट्यूबवेल बंद होने से क्या होगा कि लोगों को बिजली के साथ तो पानी भी नहीं मिलेगा, और जब पानी नहीं मिलेगा तो लोग चीखें भी मारेंगे और बिलबिला भी उठेंगे, लेकिन फिर लोग खुश होंगे क्योंकि लोगों ने इन अच्छे मैनेजर्स को जो है वो सिलेक्ट किया हुए, और वो मैनेजर जो है हर चीज मैनेज करते जा रहे हैं, उसमें आवाम का फायदा हो रहा है नहीं हो रहा है, नहीं ये हो रहा, कोई नहीं कुछ सोचता नहीं इस पे किसी का ख्याल नहीं। कोई बंदा भी बात करने को तैयार नहीं, कैसी बेहिसी का दौर आ गया कि कोई सियासी भी बंदा बात करने को तैयार नहीं है, कि ब्यूरोक्रेसी में बात करने को तैयार नहीं है कि हम कैसे तीन तीन दिन जो है तंबुओं में जाके बैठते थे और वज़ीर-ए-आला के अहकाम सुनते थे, तो आज वो कहाँ गए दिन। अभी मैं आपको बता रहा हूँ बड़ा हकीकी बयान के ये ऑरेंज लाइन के रूट पे इलेक्ट्रिसिटी का काम जो है वो तकरीबन आप समझ लें कि 70% जो है वो पेंडिंग पड़ा है, और आइंदा आने वाले 2-3 हफ्तों में वो कंपाइल होता नजर नहीं आ रहा। आपकी सारी इलेक्ट्रिसिटी इधर उधर हुई है और लोगों की लाइट जो है वो सुबह जाती है दोपहर तक नहीं आती, 8-8 घंटे का शटडाउन दिया जा रहा है। मुझे ये बताएं कि ये लोग अभी भी सड़कों पे ना निकलें तो कब निकलें और क्या करें, और ये मंसूबा जो है वो 2018 तक कहा जा रहा है मुकम्मल होगा, तो क्या 2018 तक आवाम इसी तरह से कलपती रहेगी? और फिर इतनी पुअर मैनेजमेंट है कि अगर आपने बिजली को मैनेज करना है तो आप मौसम का इंतखाब ऐसा करते कि शहरियों के लिए परेशानी ना होती, गर्मियों में ही आपने ट्रांसमिशन लाइंस भी बिछानी है, तमाम तरक्याती काम भी करने हैं और लोगों की बिजली भी। और दूसरी बात आप देखें कि अब तक तो आपको इमरजेंसी जो टीमें हैं वो तश्कील दे देनी चाहिए, लेकिन ना ही लेस्को ने कोई टीम तश्कील दी है कि इमरजेंसी हो और जाके वो रूट पर चक्कर लगा रही हो, फिर रही हो पूरे शहर में चक्कर लगा रही हो, कहीं पर भी ब्रेक डाउन आता है, कहीं पर कोई डीज उड़ जाती है ट्रांसफार्मर की, कोई इशू हो जाता है। आखिरी मिनट है मेरे पास, मैं एक और खबर भी डिस्कस करना चाहूंगी जो इसी से लिंक है कि क्यामत खेज गर्मी है और बच्चे जो हैं वो बेचारे स्कूल में बिलबिला उठे। अब छुट्टियों का डिमांड की जा रही थी कि हमें छुट्टियां दे दी जाए, वो भी मंजूर नहीं हुई, स्कूल के टाइमिंग्स पर गौर हो रहे थे, और स्टार्टिंग में मैंने एक ब्रेकिंग भी दी जुनेद हमारे साथ है कि 11 बजे अब स्कूल जो है वो ऑफ कर दिया जाएगा, लेकिन प्राइवेट स्कूल मान नहीं रहे हैं कि ये कम जून से छुट्टियाँ दे दी जाएंगी। हाँ जी, वो बजट हैं कि 11 जून तक जो है वो स्कूल क्लोज करने पे तैयार हैं, उससे पहले जो है वो स्कूल्स उन्होंने इंदिया दिया है कि वो अगर उन्हें पाबंद किया गया कि स्कूल बंद किए जाएं 1 जून से, तो उन्होंने प्राइवेट स्कूल्स के मालिकान ने उनकी एसोसिएशन ने इंदिया दे रखा है कि वो ईडी एजुकेशन के दफ्तर का घेराव करेंगे, तो उन्हें भी शायद इस हठधर्मी से बाहर आ जाना चाहिए। जो सूरत हाल है मासूम बच्चे जो हैं वो इतने बड़े बड़े बच्चों को देखे और शदीद गर्मी में जो है वो उनकी, और वो यकम सिर्फ इसलिए टपाना चाहते हैं ताकि अगले महीने की फीस ले सके। सच्ची बात है, खुल के बात करनी चाहिए कि 11 को क्या ऐसी 11 जून को जी क्यामत आ जाएगी जी आपने, कि जून के बाद ही छुट्टियां करनी है, पहले नहीं कर सकते। सिर्फ अपने फीसें लेनी है, सब कुछ टीचर्स की सैलरी अपनी जेब में डालनी होती है, तो अपने मुफाद आ जाते हैं। बहुत शुक्रिया रिजवान और दुरनयाब, आप हमारे साथ मौजूद थे। यहाँ पर एक ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे।
वेलकम बैक नाजन, और अब हम अपना सेगमेंट शामिल करेंगे मेरा शहर लाहौर। शहर लाहौर में आज का हमारा टॉपिक है GCU गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर यूनिवर्सिटी, जो कि अब यूनिवर्सिटी भी बन चुका है, और आमिर रजा खान हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम आमिर भाई। वालेकुम अस्सलाम। आमिर भाई, आप रावियन हैं? बिल्कुल रावियन। और रावियन होना एक टैग है, मतलब इट्स अ सिंबल। हाँ, एक बिल्कुल ऐसे ही ब्रांड है। ब्रांड है, मैं ये समझता हूँ कि ब्रांड है, और उसकी उसकी खास वजह भी है कि गवर्नमेंट कॉलेज जो है वो सिर्फ एक अदारा नहीं है, बल्कि इस बरसगीर पाको हिंद में बात कर रहा हूँ, जो जदीद अलूम है उसका उसके दरवाजे जो वाह हुए थे, तो वो इसी के दो कॉलेजेस का जो नाम लिया जाता है, एक वो जो सर सैयद अहमद ख़ान ने बनाया जो प्योरली अलीगढ़ जो था, और दूसरा गवर्नमेंट कॉलेज जो कि बनाया तो अंग्रेज़ों ने था, लेकिन ये इसने इस पूरे खत्ते की इतनी खिदमत की है कि आप कोई भी फील्ड उठा लें, वो अगर आप फिज़िक्स पे उठाएंगे तो नोबेल प्राइज़ याफ्ता लोग यहाँ पर पढ़ के गए, डॉक्टर अब्दुलसलाम जिनका नाम था, अगर आप कौमी हमीयत और शायरी की बात करें तो डॉक्टर मोहम्मद इलाम इकबाल का नाम आप लेंगे, अगर आप मज़ार नगारी पे आएंगे तो पतरस का नाम लेंगे, अगर आप फिल्म मेकिंग पे जाएंगे तो फिर आप देवानंद का नाम लेंगे, जो कि बहुत बड़े, बड़े फिल्म प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, एक्टर वो यहाँ सके, तो किसी भी फील्ड में, वो कोई भी फील्ड थी, उसका सर चश्मा या मंबा गवर्नमेंट कॉलेज को समझा जाता था। और बहुत सारे शायद हमारे लाहौरी भी कम जानते हैं इस बात को कि ये जब शुरू हुआ था तो शाही किला लाहौर में शुरू हुआ था। अच्छा। ये जिस जगह पे अब है इस जगह पे नहीं था। तो जो अंग्रेज़ी तलीम थी उसको हासिल करना कोई उस वक्त आसान काम नहीं था, उलमा के फतवे थे और लोगों को पढ़ाना जो था वो अंग्रेज़ों के लिए अपनी ज़ुबान को पढ़ाना, बाकी दूसरे अलूम तो सबके पास थे, अरबी फारसी सब चल रहा था यहाँ पे, लेकिन अपने अलूम पढ़ाना मुश्किल था। तो किला के अंदर जो कि फौजी छोनी था उस वक्त, उसके अंदर एक कॉलेज का एक हिसार में, एक सिक्योरिटी हिसार में, सिक्योरिटी हिसार में पढ़ाया जाता था। जीसी की तालीम जो है वो पहले किला में दी जाती थी, और उसके बाद जो अभी भी बिल्डिंग है वो भी उसी तरह का कुछ झलकियाँ नज़र आती हैं उसमें, कि मीनार हैं और एक, हाँ बिल्कुल, ये उसमें किला वाली झलक तो नहीं है, इसमें प्योर वो जो है इंग्लिश इंफ्रास्ट्रक्चर या जो बिल्डिंग्स का है वो ज़रूर है, और इसमें एक चर्च था बहुत बड़ा जो कि अब भी मौजूद है, लेकिन वो चर्च के तौर पे यूज़ नहीं होता, इस्तेमाल नहीं होता, तो इसकी तो बिल्डिंग भी आपको फैसिनेट करती है, इसमें जाना, इसमें पढ़ना, वो ऐसे लम्हात हैं जिसको शायद कोई भी रावियन कभी नहीं भूल सकता, कभी नहीं भूल सकता। और जो इस अदारे ने खिदमत की है पाकिस्तान की, आप समझ लें वो शायद किसी और अदारे का तो रहम क्या। अच्छा, मेरे फादर भी रावियन हैं, सो वो बताते हैं कि एक रोमांस है इस बिल्डिंग के साथ, इस इदारे के नाम के साथ, एक रावियन होना जो है वो मुझे अक्सर समझाने भी आते हैं तो मैं आगे से काउंटर कर रही होती हूँ कि नहीं ऐसा नहीं है, तो वो मुझे कहते हैं यू वुड अंडरस्टैंड, क्योंकि तुम वहाँ गई नहीं हो, तुमने वहाँ पढ़ा नहीं है, सो वो जो एक फीलिंग है वो मुझे आपके चेहरे पर भी नजर आ रही है जब आप बात करते हैं। मैं आपसे बात करता हूँ कि मैं देवानंद से मिला जब वो पाकिस्तान आए, तो उनकी जो पहली ख्वाहिश थी वाघा बॉर्डर क्रॉस किया बस के जरिए उन्होंने, वो एक दौरा था जो कि वाजपेयी के दौर में हुआ, तो उन्होंने जो पहला किया आके इंतजामिया से कहा, तो उन्होंने कहा मैंने जीसी जाना है। हम भी उस वक्त जर्नलिस्ट थे, तो हमने कहा जी फिर गवर्नमेंट कॉलेज में आप किस दिन जाएंगे? उन्होंने कहा मैं सबसे पहले वहाँ जाऊँगा, वहाँ उसको सलाम पेश करूँगा, उसके बाद बाकी मुझे आप जहाँ होटल ले जाएँ जहाँ, तो वो सबसे पहले गवर्नमेंट कॉलेज आए। और मुझे याद है आज भी कि ओवल में आकर उनके आंखों में आंसू थे। मैं बानो आपा और इशफाक अहमद से मिला पंजाब पब्लिक लाइब्रेरी में, तो जब गवर्नमेंट कॉलेज का जिक्र सिर्फ शुरू हुआ तो दोनों की आंखों में आंसू थे, और उनकी तो खैर मोहब्बत भी वहीं पर परवान चली। तो आपने वो जो रोमांस की बात की है, वो आप गवर्नमेंट कॉलेज का सौंदी गार्डन्स हो, फाउंटेन हो, ओवल ग्राउंड हो, उसकी बिल्डिंग हो, उसकी क्लासेस हो, तो उसका रोमांस कभी ख़त्म नहीं होता, नहीं होता, उसका प्यार, उसका मोहब्बत गवर्नमेंट कॉलेज आज भी तकसीम कराए। हाँ, कुछ फ़र्क ज़रूर पड़ गया। मैं ये समझता हूँ कि अगर गवर्नमेंट कॉलेज को कल, आज और कल पे देखा जाए तो बहुत सारे जो नई चीज़ें हैं वो आप पर, और मेरे ख्याल से आमिर भाई ये रिक्वायर्ड भी होता है कि जब जब जैसे जैसे इनोवेशन आती है आपको टाइम के साथ साथ चेंज होना पड़ता है, लेकिन वो जो एक बेसिक चीज़ है अगर वो वैसी ही रहे तो फिर चीज़ें जो हैं वो आपको हमेशा याद रहती हैं। बहुत शुक्रिया आपका, आप हमारे साथ मौजूद थे इस सेगमेंट में। नाजन, यहाँ पर हम एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद आप अना यूसुफ से हेडलाइंस जानेंगे और उसके बाद प्रोग्राम में दोबारा हाजिर होंगे।
खुशामदीद कहेंगे आपको स्टूडियो में। नाज़रीन इस वक्त मेरे साथ स्टूडियो में कप्तान है पाकिस्तान रेसलिंग टीम के, जिन्होंने जो कॉमनवेल्थ गेम्स थी उसमें गोल्ड मेडल विन किया है, मोहम्मद इनाम बट, ये हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं। और हमारे साथ मौजूद हैं कोच जो कि पाकिस्तान रेसलिंग टीम को कोच करते हैं, सुहेल रशीद साहब, उनसे हम बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम इनाम, क्या हाल चाल है आपके? सर आप कैसे हैं? ठीक है, कैसे चल रही है आजकल रेसलिंग आप लोगों की? रेसलिंग अभी ओलंपिक क्वालिफाइड के तो अच्छा रिजल्ट आया, एक ब्रॉन्ज मेडल जीता हमने, मगर पाकिस्तान के लिए क्वालिफाई नहीं कर सके, ओलंपिक के लिए क्वालिफाई। अच्छा इनाम, क्या रीज़न है क्यों क्वालिफाई नहीं कर सके हमारे, मतलब जब मेहनत भी बहुत ज़्यादा की जाती है और जितने भी टूर्नामेंट होते हैं उसमें अच्छी परफॉर्मेंस भी होती है, तो क्वालिफाई करने के लिए क्या मेरिट है, क्या क्राइटेरिया? देखिए जी, सबसे पहले तो ये ज़रूरी है कि जब हम ओलंपिक की बात करते हैं तो उसमें कम अज़ कम आपको 4 से 5 साल का अरसा रिक्वायर होता है कि आप उसके लिए पूरी एक प्रॉपर प्लानिंग करें। तो लेकिन अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में हमें इतना टाइम नहीं मिलता, तो हम जो है ना सिर्फ और सिर्फ 2 से 3 माह का 4 माह का हमें कैंप मिलता है। लेकिन अगर हमें जो फैसिलिटीज़ हैं वो दूसरे कंट्रीज़ के मुकाबले में मिलें, जिस तरह अगर मैं इंडिया की बात करूं तो उनका 14 साल से इंटरनेशनल कोच उन्हें ट्रेन करवा रहा है और वो कभी रशिया में कभी बल्गारिया में जा कर ट्रेनिंग करते हैं, तो हमारे यहाँ ये चीज़ें अभी नहीं आई, अभी इतना पैसा नहीं इन्वॉल्व हुआ गेम में। तो अगर हमें भी इंटरनेशनल ट्रेनिंग करवाई जाए तो डेफिनेटली कोई मुश्किल नहीं है कि पाकिस्तान क्वालिफाई ना करे, हम मेडल भी ले सकते हैं और गोल्ड भी ले सकते हैं। गोल्ड भी ले सकते हैं, और आपने ये साबित भी किया है, जब आपने गोल्ड मेडल विन किया था कॉमनवेल्थ गेम में तो उसमें आपने अपनी परफॉर्मेंस, अपना टैलेंट तो दिखाया। फिर बात आती है सपोर्ट की, सुहेल साहब, सपोर्ट अगर हम गवर्नमेंट या स्पोर्ट्स बोर्ड की तरफ से करें तो किस हद तक आपको सपोर्ट मिल रही है? पाकिस्तान स्पोर्ट बोर्ड को और करनी चाहिए स्पोर्ट, गवर्नमेंट पाकिस्तान को करनी चाहिए, जब तक ये लड़के इंटरनेशनल टूर पे और इंटरनेशनल ट्रेनिंग नहीं करेंगे इधर के इधर ही खड़े रहेंगे। हम तो अपनी तरफ से पूरी इनको ट्रेनिंग करवाते हैं, फिजिकल ट्रेनिंग और जो टेक्निक होती है वो सिखाते हैं, मगर जब ये अच्छे प्लेयरों के साथ जाके लड़ेंगे और बेहतर से बेहतर इंटरनेशनल एक्सपोजर बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है वहाँ पर कम्पीट करने के लिए, क्यों मतलब क्या कोई प्लेटफॉर्म नहीं है जहाँ पर जाकर ये आवाज़ रेस की जा सके कि रेसलिंग भी एक बहुत अच्छा गेम है जिसमें आप पाकिस्तान का इमेज पोर्ट्रे कर सकते हैं, जिसमें पार्टिसिपेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाती है, तो फिर गवर्नमेंट की सपोर्ट चाहिए होती है? देखिए जी, सबसे पहले तो हमें ये देखना चाहिए कि रेसलिंग कितना सपोर्ट कितना कर रही है, रेसलिंग का पाकिस्तान में अभी तक क्या लेवल क्या जा रहा है। तो अगर हम कॉमनवेल्थ की बात करते हैं तो रेसलिंग ने कमोबेश 21 गोल्ड मेडल लिए हैं, जो कि बाकी तमाम गेमों के अगर इकट्ठे कर लिए जाएं तो रेसलिंग के गोल्ड मेडल फिर भी ज़्यादा हैं इंडिविजुअल गेम के। ठीक है, और इसके अलावा अगर हम साउथ एशियन में देखते हैं तो उसमें 12 मेडल हैं, उसके अलावा ओलंपिक्स में भी पाकिस्तान का मेडल है, तो रेसलिंग एक बहुत ज़्यादा ऐसी प्रोमिनेंट गेम बन सकती है जिस तरह इंडिया ने भी बनाया है। उसका 7-8 साल पहले कोई मेडल नहीं था, अभी उन्होंने उस पर इन्वेस्ट किया तो अभी उनके 2 से 3 मेडल ओलंपिक में करंट आ रहे हैं। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि रेसलिंग में अभी हम जो ओलंपिक क्वालिफाई खेल के आए हैं तो फर्स्ट 2 पोजीशंस का क्वालिफाई था, तो मेरा जो छोटा भाई है मोहम्मद बिलाल उसने 3rd पोजीशन हासिल की है, और ये फर्स्ट टाइम एवर पाकिस्तान में ओलंपिक क्वालिफाई राउंड्स में ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया है, मैंने 5th पोजीशन हासिल किया, इस तरह लड़कों ने बाकी भी पोजीशंस हासिल किए हैं। लिमिटेड रिसोर्सेज के साथ जो है वो अगर बिलाल 3rd पोजीशन हासिल कर सकते हैं, तो अगर रिसोर्सेज दिए जाएं और गवर्नमेंट सपोर्ट शामिल हो जाए फिर तो हमारी पोजीशन कहीं पहुँच जाएगी। देखें जी, पाकिस्तान रेसलिंग फेडरेशन का टोटल बजट 15 लाख रुपए है। अच्छा, तो आप ये देखें कि इंडियन जो रेसलिंग फेडरेशन है उसका 20 करोड़ से अबव का बजट है, हमारा 15 लाख का बजट है। इसके साथ साथ ये है कि पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड जो है वो हमारे कैंप अरेंज कर रहे हैं, लेकिन ज़रूरी ये है कि जब हमने इंटरनेशनल लेवल पे खेलना है वर्ल्ड और ओलंपिक चैंपियंस के साथ, तो बहुत ज़रूरी है कि हमारी प्रैक्टिस भी उनके साथ हो, हम उनके साथ प्रैक्टिस करें, उनके साथ हम कंपटीशन खेलें, 2 से 3 माह का कैंप वहाँ पे अरेंज हो, तो देन जो है ना आप किसी भी लेवल पे मेडल ला सकते हैं। रेसलिंग बहुत ज़्यादा करीब है ओलंपिक में, हम बिल्कुल क्वालिफाई कर रहे हैं, लेकिन अगर आप दूसरी गेम्स देखें तो वो तो बहुत ज्यादा दूर है, यानी कि अगर उनमें 10-10 साल, यानी कि आप लोग मेहनत कर रहे हैं और अपनी मेहनत के बलबूते पर अगर आप 3rd पोजीशन हासिल कर सकते हैं तो अगर साथ में सपोर्ट भी आ जाएगी तो फिर तो ऑब्वियसली बेहतरी की तरफ जाएंगे। सुहेल साहब, आपसे मैं ये जानना चाहूंगी, क्या मतलब सबसे पहले तो हमें रेसलिंग थोड़ा समझाइएगा कि असल में ये सपोर्ट की गेम होती क्या है, इसमें क्या क्या रूल्स होते हैं, किस तरह से खेली जाती है? ये अपनी वेट कैटेगरी में रह के रेसलिंग करनी होती है, इसके 8 वेट कैटेगरी हैं और एक
मैट होता है फॉर्म वाला, उस पर रेसलिंग करते हैं। ये ओलंपिक स्टाइल है। अच्छा। और ये पूरे ओलंपिक में खेली जाती है, और दो रेसलर आपस में दाव लगा के एक दूसरे को चित करते हैं, और उसमें चित करने के अलावा पॉइंट होते हैं, तो आगे फेंकने के या कोई दाव लगाता है उस हिसाब से रेफरी पॉइंट देता है। ठीक है। और वही जिस लड़के यहाँ तो होता है कि फाल करेगा प्लेयर, या फिर जिस प्लेयर के पॉइंट ज़्यादा होंगे वो जीतता है। सही, तो वो पॉइंट्स के ऊपर जो है वो पूरी गेम चल रही है, लेकिन अगर आप नॉकआउट कर दो तो फिर सारे पॉइंट्स आपके पास। अगर चित कर ले, जिसे हम फाल कहते हैं, फाल पोजीशन पे अगर ले आता है, फाल कर लेता है, तो फिर वो फाल करने वाला प्लेयर जीत जाता है। ठीक है, ठीक है। अच्छा इनाम, रिसेंट आपकी एक्टिविटीज क्या चल रही है? एक तो आपने अभी क्वालिफाइंग राउंड खेला ओलंपिक्स के लिए, इससे पहले जी अभी मैंने साउथ एशियन गेम जो इंडिया में हुई है, तो फाइनल में इंडियन रेसलर को हरा के गोल्ड मेडल हासिल किया है। तो अभी उसके बाद हम ओलंपिक क्वालिफाई खेल के आए हैं। अभी जो है ना हमारा नेशनल्स, क्योंकि अभी जो ओलंपिक का लेवल तो ख़त्म हो गया, अभी नेशनल्स पे दोबारा बात आ गई है, तो नेशनल चैंपियनशिप हो रही है हमारी 8 से 10 दिन बाद गुजरांवाला में, तो इंशाल्लाह उसे विन करेंगे। और देन जो है ना आगे नेक्स्ट कंपटीशन है वो हमारा बीच एशियन गेम्स आ रही हैं, जो कि वियतनाम में हो रही हैं 2 माह बाद, तो इंशाल्लाह उसे टारगेट करेंगे और उसमें पाकिस्तान के लिए मेडल लेंगे। अच्छा, ये जो नेशनल आपने टूर्नामेंट बताया जो होने जा रहा है, इसमें कहां कहां से पार्टिसिपेंट्स आएंगे, किस तरह से ये प्ले किया जाएगा? पूरे पाकिस्तान से 10 टीम्स आती हैं, जिसमें पाकिस्तान वापडा, आर्मी, पाकिस्तान रेलवेज, पुलिस, और उसके बाद 4 जो हमारे सूबे हैं उनकी टीम्स होती हैं, और इसके अलावा इस्लामाबाद की। आप कौन सी तरफ से खेलोगे? मैं पाकिस्तान वापडा को रिप्रेजेंट करता हूं, और पाकिस्तान वापडा की तरफ से मैं खेलूंगा, और टोटल 10 जो है ना टीम्स आती हैं, और फिर उनके आपस में ड्रॉज होते हैं, और जो जीता जाता है वो ऊपर आता है, और इस तरह फिर जो है ना गोल्ड मेडल का फैसला होता है। अच्छा, आप पोजीशन स्ट्रांग देख रहे हैं हमारी, मतलब इसमें आप क्या किस तरह से प्ले करेंगे जो टूर्नामेंट हो रहा है, या जनरली भी जो टूर्नामेंट्स होते हैं, कैसे ट्रेनिंग देते हैं आप प्लेयर्स को? अभी तो ज़्यादा स्टैमिना पे ट्रेनिंग होती है, और साथ साथ टेक्निक भी लड़कों को बताते हैं, जो फिजिकल ट्रेनिंग है वो करवाते हैं, यानी कि इस गर्मी के मौसम में सुबह से शाम तक 5-6 घंटे लाजमी ट्रेनिंग होती है, 2 घंटे सुबह, 3 घंटे रात को, और माशाल्लाह बड़ी बेहतरीन ट्रेनिंग करते हैं। मैं सर की बात में थोड़ा ऐड करना चाहूँगा कि सर की जो एक स्पेशल जो एक एक्टिविटी है वो ये है कि ये हर लड़के को उसके मुताबिक ट्रेनिंग करवाते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर मुझे मेरे में स्टेमिना की कमी है तो वो मुझे स्टेमिना की प्रैक्टिस करवाएंगे, अगर किसी लड़के की टेक्निक में खराबी है तो उसे उसकी टेक्निक बेहतर करवाते हैं, और अगर किसी की पावर में कमी है तो वो पावर वाली ट्रेनिंग करवाते हैं। मीन्स के इंडिविजुअल गेम है, तो इसलिए वो इंडिविजुअल जो है ना प्लेयर्स को ट्रेनिंग करवाते हैं, और ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद होता है। छोटी सी ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे। गुफ्तगू का सिलसिला आप आगे बढ़ाएंगे। इनाम, मैं आपसे जानना चाह रही थी, बचपन से ही आपको पता था आपने रेसलिंग साइड पर आना है, इसको एज अ प्रोफेशन और एज अ करियर आगे लेकर चलना है। देखिए, सबसे पहले तो जो हमारा ये काम है, हमारा जद्दी बुश्ती जिसे बोलते हैं, मेरे वालद साहब, दादाजी, बड़े भाई, ताया जी, सब जो है ना हम रेसलिंग फैमिली से बिलोंग करते हैं, तो स्टार्ट में ही जो है ना स्टडी के साथ साथ वालद साहब ने कह दिया था, बेटा तू पुआन ही बनना है। गुजरांवाला के पहलवान। जी बिल्कुल। अच्छा, तो बचपन में तो इस तरह था कि थोड़ा डांट डपट करके कि आपने जाना है और लेके जाना और ट्रेनिंग करवाना, फिर आस्ता आस्ता इस तरह हुआ कि जब कैडेट खेला मैंने पाकिस्तान के लिए, तो उसमें मैंने गोल्ड मेडल लिया, तो फिर अपनी तरफ से एक शौक पैदा हो गया कि जब आप जीतते हैं लोग आपकी अचीवमेंट के बाद रियलाइज होता है ना कि अच्छा इसमें मैं कर सकता हूँ, मुझे और जी बिल्कुल। जब फर्स्ट मैंने पाकिस्तान का गोल्ड मेडल लिया, तो सब वो फैमिलीज वाले भी इकट्ठे हो गए कि जी हमारा लड़का नेशनल चैंपियन, और वो इस तरह बंदा एक सेलिब्रिटी बन जाता है। तो फिर जो है ना, फिर मुझे लगा कि नहीं, ये तो बड़ा अच्छा काम है, मेहनत करनी है, और वाह वाह भी होगी आपकी। तो फिर मैंने सोचा कि अब जो है ना इसे अच्छे तरीके से लेके चलना है। फिर साथ साथ पंजाब कॉलेज ने जो है, उन्होंने, मैं यहाँ पे लाजमी तौर पर कहना चाहूँगा कि जो पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेजेस है वो बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं मिडिल क्लास, और जो अपर क्लास और लोअर क्लास के जो प्लेयर्स हैं, बिला तफरीक, और सिर्फ आपकी स्पोर्ट्स पे, आप अगर अच्छे स्पोर्ट्स में है ना, आपको विदाउट एनी कॉस्ट जो है ना आपको एडमिशन मिलेंगे, और आप जो है ना आके अपनी गेम भी करें और अपनी स्टडी को भी जारी रखें। तो फिर उसके साथ साथ मैंने अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान सीनियर में गोल्ड मेडल लिया, और अभी लास्ट 7-8 साल से मैं अनबीटन हूँ, और साथ मैंने अल्हम्दुलिल्लाह अपना MBA भी किया,
तो अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस है। अच्छा सुहेल साहब, ये जब भी कैंप में आते हैं इस्लामाबाद में या पाकिस्तान में, तो कौन सी चीज़ जो है वो इनाम की पॉलिश करने वाली होती है, कि इसके कौन से चीज़ों में ये थोड़ा लैक करते हैं जिनको बूस्ट करने की ज़रूरत होती है? जो इनके उस्ताद हैं माशाल्लाह उस्ताद शबीर साहब, उन्होंने ही इनको बहुत पॉलिश किया है। इनकी क्लब का एक नाम है, मगर ये हमारे पास आते हैं 6 महीने के लिए, 1 साल के लिए। और जैसा कि इंसान एक मुकम्मल नहीं है ना, एक स्पोर्ट्समैन भी अपने आप को मुकम्मल नहीं समझता, इनको हम पॉलिश करते हैं। और सिर्फ कमी इसमें यही है कि हम इंटरनेशनल लेवल की ट्रेनिंग नहीं दे सकते। यहाँ तो ये अच्छा है, जब तक इसे ये अच्छे के साथ ट्रेनिंग नहीं करेगा ये पॉलिश नहीं हो सकता। जब तक इसे जीतने वाला इसके पीछे नहीं होगा तो ये अपने आप पे बस यही होगा कि मैं पहलवान हूँ, मैं जीत रहा हूँ। जब ये इंटरनेशनल ट्रेनिंग करेगा इंशाल्लाह और पाकिस्तान के लिए बेहतर से बेहतर मेडल जीतेगा बिल्कुल। और वो चीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, जैसे शुरू में भी हमने बात की थी कि यहाँ पर खेल कर यहाँ ट्रेनिंग लेकर तो आप बड़े बड़े अच्छे पहलवान बन सकते हो, लेकिन जब तक आपका टाकरा नहीं होगा, इंटरनेशनली आप प्रैक्टिस नहीं करोगे, आप उसकी ट्रेनिंग नहीं लोगे, आप कहीं ना कहीं फॉल बैक करते रहोगे, तो ये चीज़ बड़ी मुश्किल हो जाती है। अच्छा इनाम, मैंने सुना है पहलवान बड़ा खाते हैं, बड़ा दबा के खाते हैं, आपकी डाइट कैसी है? देखें जी, लोगों ने तो बहुत ज़्यादा बातें बनाई हुई हैं कि जी वो पूरा पूरा बकरा खा गए और ये और वो इस तरह की, तो ये बिल्कुल इस तरह की बात नहीं है। और अभी स्पेशली जो वेट कैटेगरीज आ गए हैं, तो इसमें तो जो 57 में खेलता है वो भी एक रेसलर है, तो अगर आप 57 केजी का देखें वो तो इस तरह ही लगेगा कि वो बेचारा तो कभी रेसलर बन ही नहीं सकता। वेट कैटेगरीज आ गई हैं, इससे बहुत ज़्यादा आसानी हो गई है कि आपको अब उस तरह खाना नहीं पड़ता, अब उस तरह लंबी चौड़ी डाइट नहीं है। आपको जो मेन जो चीज़ है ना, वो अभी जो हम कर रहे हैं वो ये है कि हम फ्रेश जूसेस वगैरह यूज़ करते हैं अपनी ट्रेनिंग में, और सैलड का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल अभी आ गया है। अच्छा। यानी कि बिल्कुल ना एक डाइट चेंज हो गई है अभी, वो मक्खन और घी और दूध ये चीज़ें अभी तब्दील हो गई हैं। फिर अगर मक्खन घी और दूध और लस्सी की बात ना करें तो पहलवान वाली फीलिंग नहीं आती, ऐसा नहीं है सर? सब चुका के खाना पड़ता है आपको, वो बड़ी बड़ी पेड़ों वाली लस्सी पीनी पड़ती है, और उसके बाद जो है वो आज से 40 साल पहले वाले पहलवान थे ये जो आप देख रहे हैं, ये आपको शक्ल से भी और लिबास से भी स्टूडेंट लग रहा है, ये रेसलर लगेगा नहीं, आप लोग कहेंगे पता नहीं कौन सा ये बंदा बिठा दिया। मगर आप जो गेम हो गई है ना, वो साइंस हो गई है, वो हमें इन्हें प्रोटीन के तौर पे मेडिसिन देनी पड़ती है, कम खाना जो अच्छा हो वो देना पड़ता है, ये न्यूट्रिशन का ख्याल रखना पड़ता है। हाँ जी, 2-2 किलो गोश्त या 3-3 किलो गोश्त वो ऐसे ही वो खाते होंगे पहलवान पहले, लेकिन अब जो है अब जो रेसलर को नजर रख के वो नहीं है सही। अच्छा इनाम, आप कौन से वेट कैटेगरी में खेलते हैं? मैं जी पाकिस्तान के लिए जब मैं इंटरनेशनल खेलता हूँ तो मैं 86 केजी में पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करता हूँ। अच्छा। कॉमनवेल्थ गेम्स में भी मैंने 86 में गोल्ड लिया, और जो दूसरे कंट्रीज हैं उस जब भी मैं पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करूँ तो 86 में खेलता हूँ। लेकिन यह है कि जब मैं अपने डिपार्टमेंट की तरफ से रिप्रेजेंट करता हूँ वापडा को, तो फिर देखते हैं कि हम के हमारी टीम को क्या ज़रूरत है। तो अभी रिसेंटली भी मैं 97 में खेल रहा हूँ, और इवन कि अगर 125 में भी ज़रूरत पड़े तो मैं कोशिश करता हूँ कि जहाँ पे भी टीम को फ़ायदा हो मैं उस वेट में खेलूँ और अपनी टीम के लिए। अच्छा, फिर आप वेट पुट ऑन कर लेते हो, फिर वेट बढ़ा लेते हो? नहीं, इस तरह नहीं होता कि हमारे पास ये चांस होता है कि अगर आपका 96 वेट आ जाता है तो आप 125 में भी मुकाबला कर सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए जो है ना 10 किलो तो बढ़ाना पड़ता है ना? नहीं, इस तरह होता है कि हमारा ना 5-6 केजी पहले ज्यादा होता है, जब इंटरनेशनल आता है तो हम 5-6 केजी कम करते हैं। ठीक है, मीन्स के 94-93 होता है हमारा वजन। अभी आपका कितना है? अभी मेरा 92 केजी वेट है। अच्छा, 92 मतलब ठीक है, मेंटेन रखना वैसे मुश्किल नहीं हो जाता कि ये खाओ 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 तो वेट बढ़ जाए, ये कम कर दो तो कभी आदत हो जाती है खाने की, कभी आदत हो जाती है छोड़ने की। इस तरह के जब आप डेली 7-8 घंटे प्रैक्टिस करते हैं तो फिर आप जितना मर्जी खा लें वो फिर वेट उस तरह गेन नहीं होता। ठीक है, वो अभी मैं आपको बताना चाहता हूँ, जैसे कि नाम ने बताया कि मैं 86 में खेलता हूँ बाहर जाके इंटरनेशनल, पाकिस्तान में 97 में 125 में खेल लेता हूँ। अब 3 कैटेगरी में ये खेलता है, और 3 कैटेगरी में से पता है मैं चैंपियन हूँ। इसके पीछे कोई प्लेयर ही अच्छा नहीं है, इसे कुछ पता है कि मैं 3 कैटेगरी में जीत सकता हूँ। अगर इसे मारने वाले और सामने अच्छे से अच्छा प्लेयर आए, और इसे गेन करना पड़ेगा, इसे और अच्छी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी इंटरनेशनल लेवल पे अच्छा मेडल जीतने के लिए। बिल्कुल, अब बिल्कुल। पाकिस्तान में ये 3 मेडल जीत रहा है, 86 में भी जीत रहा है, 97 में, ये गवर्नमेंट पाकिस्तान को
हमारी फेडरेशन को और पाकिस्तान स्पोर्ट बोर्ड को करना पड़ेगा कि इस लेवल के जो प्लेयर हैं उन्हें अच्छी से अच्छी ट्रेनिंग के लिए करना पड़ेगा, ट्रेनिंग देनी पड़ेगी, इंटरनेशनल ट्रेनिंग देनी पड़ेगी और फिर आपका करियर सिक्योर होना पड़ेगा। जैसे आपको वादा की तरफ से अगर एक जॉब अपॉर्चुनिटी मिली है तो आप उसको पैशन के साथ साथ एक करियर के तौर पर भी खेल रहे हो, क्योंकि आपको एक सपोर्ट है, आप एक अर्निंग साइड पर भी चले गए, तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती हैं। वेल गुड लक इनाम, आई रियली होप कि आपको गवर्नमेंट की तरफ से तो सपोर्ट मिले और फिर हम आवाम तो आपके पीछे खड़े ही हैं आपकी सपोर्ट के लिए। जब भी आप पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करेंगे हम हमेशा दुआएं करेंगे आपके लिए, क्योंकि जब आप अपने आप को प्रेजेंट कर रहे हैं और वहाँ खेल रहे हैं तो वो सिर्फ आप नहीं हैं, आपके पीछे पूरा पाकिस्तान खड़ा है जिसको आपने रिप्रेजेंट करना है। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग सुहेल साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया एंड आई होप कि आप इसी तरह से यंग ब्लड और जितने भी ट्रेनीज हैं उनको ट्रेन करते रहें और एक अच्छा लॉर्ड जो है वो आगे जाकर पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करे। थैंक यू सो मच। इसी के साथ नाज़रीन हम यहाँ पर एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे। वेलकम बैक नाज़रीन, और अब हम सेगमेंट्स की तरफ चलेंगे और सबसे पहले मैं आपको सेल्स और प्रमोशंस बताऊंगी जो पूरे शहर में लगी हैं बचत बाजार में। जी बचत बाजार में सबसे पहले डेनिजन है और डेनिजन पर आपको 30% तक ऑफ मिलेगा, जाकर शॉपिंग करें और अपने 30% तक पैसे बचाएं। मेरी वार्डरोब पसंद आ रही है आजकल, रोज जो मैं कपड़े पहन रही हूँ वो स्पॉन्सर है सलीम फैब्रिक से, वहाँ जाएं जाकर शॉपिंग करें और 15% तक ऑफ जो है उसको भी आप इंजॉय कर सकते हैं। इसके बाद हम चलते हैं हाइपर स्टार और देखते हैं आज हमें प्रमोशन पर कौन कौन सी चीज़ें मिलती हैं। हेड एंड शोल्डर शैम्पू है जी, जिसकी रिटेल प्राइस है 296, प्रमोशनल प्राइस है 354 रुपीज़, आप बचा सकते हैं। एनर्जाइल है जी 400 ग्राम्स, रिटेल प्राइस 130, प्रमोशनल प्राइस 109, आप 21 रुपीज़ बचा सकते हैं। और अब नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ चलेंगे जिसमें हम सब्जियों और फलों की बात करेंगे और अगला सेगमेंट शामिल करेंगे आज के भाव। जी आज के भाव में हम बात करेंगे, सबसे पहले शहजाद खान अब्दाली हमारे साथ मौजूद हैं, फिज़ा हमारे साथ मौजूद हैं, मुझे लगा शहजाद मौजूद हैं, थोड़ा क्लियर बोला करें ताकि मुझे भी आवाज़ ठीक आ जाए। फिज़ा की तरफ चलते हैं, फिज़ा बताइएगा सब्जियां और फल किस कीमत पर मिल रहे हैं और महंगाई का ग्राफ जो है वो नीचे नज़र आता हुआ नज़र आ रहा है। मुबारक आमद के साथ ही सब्जियों की कीमतों में जो है वो इजाफा कर दिया गया है। शहरियों का इस हवाले से यही कहना है कि माह मुकद्दस की आमद के साथ ही जहां सब्जियों की कीमतों में कमी होनी चाहिए थी वहीं जो है इजाफा कर दिया गया है। उन्होंने हुकूमत से पुरजोर अपील की है कि वो इस चीज़ का नोटिस लें और माह रमज़ान में जो है चीज़ों की कमी में जो है वाजिया कमी जो है वो यकीनी बनाएं। और इस हवाले से मैं आपको बताती चलूँ कि आज के जो सब्जियों के नरखनामे हैं उसके मुताबिक आलू 21 रुपये किलो, प्याज 20, टमाटर 12, लहसुन 110 रुपये किलो जो है वो फरोख्त किया जा रहा है, जबकि अदरक 40 रुपये इजाफे के साथ जो है महंगा हो गया है। बैंगन जो है 3 रुपये इजाफे के साथ 25 रुपये किलो, खीरा 1 रुपये इजाफे के साथ जो है 26 रुपये किलो, और देसी लीमू जो है वो 204 रुपये किलो जो है वो फरोख किया जा रहा है। मेथी 25 फलियां, 25 बंद गोभी 1 रुपये इजाफे के साथ जो है 11 रुपये किलो फरोख की जा रही है। सब्ज़ मिर्च जो है 38 रुपये किलो, भिंडी 2 रुपये इजाफे के साथ 53 रुपये किलो, और मटर जो है 88 रुपये किलो फरोख किया जा रहा है, और देसी टींडे जो है वो 27 रुपये किलो फरोख किया जा रहा है। जबकि दूसरी सब्जियाँ जो है दीगर सब्जियों की भी कीमतों में जो है वो ज़्यादती की गई है, कीमतें बढ़ा दी गई हैं, और इस हवाले से जो शहरी हैं वो परेशान नज़र आ रहे हैं। उनका यही कहना है कि माह रमज़ान में और ईदैन के मौके में बाकी जगहों पर जो है चीज़ों की कीमतों में जो है वो कमी कर दी जाती है, लेकिन पाकिस्तान में जो है बिल्कुल इसके बरक्स जो है वो सूरत हाल देखने में आती है। माह रमज़ान में जहाँ चीज़ों की कमी में चीज़ों की कीमतों में जो है वो वाकई कमी की जाती है, वहीं इनकी कीमतें बढ़ा दी जाती हैं। जी शुक्रिया फिज़ा हमारे साथ मौजूद थी और सब्जियों और फलों की कीमतों के हवाले से हमें बता रही थी। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं ज़ेनिथ शॉप पर, नाज़रीन अगर आप जा रहे हैं तो वहाँ से बीफ जो है वो आपको मिलेगा 490 रुपये में।
मटन जो है वो आपको मिलेगा 840 रुपए किलो। बीफ कीमा जो है वो आपको मिलेगा 520 रुपए में। मटन कीमा 960 रुपए में। गवर्नमेंट रेट के मुताबिक जिंदा मुर्गी आपको मिलेगी 162 रुपए किलो। और उसका बना हुआ गोश्त 235 रुपए में। जी और इसी के साथ परचून से आपको मैं बताऊंगी, अंडे आपको मिलेंगे 65 रुपए दर्जन, थोक से 63 रुपए और गोभी पर अवेलेबल है 64 रुपए में। और अब मुख्तलिफ मूवी टाइमिंग्स आपको बताई जाएंगी टुडेज डायरी में। जी टुडेज डायरी में सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी मूवी लगी हुई है माहे मीर 3 बजे वोक टावर सुपर सिनेमा 2, 9:15 बजे वोक टावर सुपर सिनेमा 3। द जंगल बुक 3D 7 बजे रॉयल पाम ऑडी 2 में। कैप्टन अमेरिका सिविल वॉर 3D 6:30 बजे वोक टावर सुपर सिनेमा 1 में। रॉयल पाम ऑडी 2 3 में लगी हुई है 4:15 बजे। द एंग्री बर्ड्स 5 बजे लगी हुई है ऑडी 2 रॉयल पाम में और सुपर सिनेमा 3 वोक टावर में 2:15 बजे। लंदन 3:15 बजे वोक टावर रॉयल पाम ऑडी 2 में। और आज मूवी लगी हुई है 12 बजे और 3 बजे सुपर सिनेमा 2 वोक टावर में, 4:15 बजे वोक टावर सुपर सिनेमा 3 में। जी टुडेज डायरी मैंने आपको बताई, लेकिन इसी के साथ मैंने एक और चीज आपको जरूर मेंशन करनी है। आज हमारे अखबार में ये एड लगा हुआ है जी रेस्क्यू 1122 की जानिब से, जिसमें ये चीज मेंशन की गई है कि ड्राइविंग में एहतियात जरूर करें। वो एहतियाती तदाबीर क्या है ये मैं आपको जरूर बताना चाहूंगी। हेलमेट का इस्तेमाल यकीनी बनाएं अगर आप मोटरसाइकिल पर सवारी कर रहे हैं, और इसके साथ फ्रंट सीट पर बच्चों को ना बिठाएं, ये इंटरनेशनल रूल भी है और इससे बहुत ज्यादा सेफ्टी बच्चों की मुतासर हो सकती है। बच्चों को फ्रंट सीट पर ना बिठाएं, अगली गाड़ी से मुनासिब फासला रखें, ट्रैफिक कवानीन की पाबंदी खुदारा लाजमी करें, लेन और लाइन का ख्याल रखें, इशारों का ख्याल रखें, दाएं और बाएं मुड़ते हुए वाजे तौर पर इशारा दें, इंडिकेटर्स का ज़रूर इस्तेमाल करें, और फिर सीट बेल्ट बहुत ज़रूरी है आपकी सेफ्टी के लिए। ड्राइविंग के दौरान अपनी गाड़ी को अच्छी हालत में रखें, मेंटेनेंस उसकी मुसलसल चेक कराते रहें, ओवर स्पीडिंग ना करें, और आजकल गर्मियां बहुत ज़्यादा हैं तो टेम्परेचर जो है गाड़ी का उसको भी चेक करते रहें। एमरजेंसी व्हीकल्स को रास्ता ज़रूर दें। दौरान ड्राइविंग मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल बिल्कुल मत करें, वो आपके लिए ख़तरनाक हो सकता है। ये तमाम एहतियाती तदाबीर जो हैं वो ज़रूर अपनाएं, और अपने साथ साथ अपने इर्द गिर्द के जो लोग हैं जो रोड पर सफ़र कर रहे हैं उनकी ज़िंदगी और उनकी हिफाजत को भी यकीनी बनाएं। इसी के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी, इंशाल्लाह कल सेम टाइम पर फिर से मुलाकात होगी। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।